दोस्तों आज बात करेंगे यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट ने यूपीएससी ने किन किन बातों का खुलासा किया और आने वाले वर्षों में उसका क्या करने का इरादा है, आपको जानकारी मिलेगी। इस साल की प्रीलिम्स परीक्षा के बाद से स्टूडेंट के मन में यूपीएससी की सोच को लेकर एक कौतूहल थी कि आखिर यूपीएससी अगले साल की परीक्षा में क्या करने जा रहा है। अब यूपीएससी की सोच रहा है कि इसका पता तो नहीं लगने वाली है, लेकिन उसकी वार्षिक रिपोर्ट इससे हमें कुछ स्पष्ट करती है, अंदाजा हम लगा सकते हैं इसके आधार पे। यूपीएससी की वर्क प्लान और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हर साल यूपीएससी एक एनुअल रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को पेश करता है, जिसमें यह अपने एक्शंस और प्लान की डिटेल चर्चा करते हैं। इस साल भी यूपीएससी ने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी कर दिया है और यूपीएससी की 72वीं रिपोर्ट है। इसमें यूपीएससी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि वे पूरे विश्व में भर्ती के तरीकों, चयन की प्रक्रियाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण विकास हो रहे हैं उस पर फोकस किया जाएगा। इससे भर्ती संस्थानों में नई चुनौतियां जो आ रही हैं, चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर में हो रहे विकास के साथ साथ तालमेल बिठाना जरूरी है और अब यूपीएससी भी इन तरीकों को, मानदंडों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि यूपीएससी अब यह सोचता है कि हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट हैं वो पूरी दुनिया के सिविल सर्वेंट के साथ कदम मिला सके। आयोग ने हमेशा आधुनिक तरीकों की चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रयास किया है और भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं के संगठन और संचालन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अपने स्वयं के कुछ तरीकों को अपनाया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो एस्पिरेंट्स को सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन दुनिया में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से छात्रों का आरोप है कि यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में कई सवाल IIT कैट के सेल के लेवल के होते हैं। यूपीएससी के लिए गाइडलाइन में भी 10वीं के स्तर को फॉलो नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट से इस बात की थोड़ी बहुत पुष्टि होती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले परीक्षार्थी इस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के छात्रों का अनुपात इस परीक्षा में तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बदलाव खास कर साल 2011 से देखने को मिलता रहा है और यह वही साल है जब यूपीएससी ने प्री परीक्षा में सीसेट लागू किया था। सीसेट को लेकर हिंदी और अन्य भाषाओं के छात्रों ने जमकर बवाल किया। हालांकि वर्तमान समय में इस पेपर को मात्र क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी परीक्षा के नंबर आपके रिजल्ट से नहीं जुड़ते हैं। इस सीसेट पेपर को सिर्फ पास करना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 60 से अधिक इंजीनियरिंग के छात्रों को इस परीक्षा में सफलता मिली है। साल 2012 से लेकर 2020 तक कोर इंजीनियरिंग विषयों के साथ कई अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं सफलता पाई है। इनकी हिस्सेदारी लगभग 2.7% की है। हाल ही में यूपीएससी ने 2022 के परीक्षा परिणाम फाइनल रिजल्ट घोषित किया, जिसमें सफलता पाने वाली टॉप 3 लड़कियों ने अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इंजीनियरिंग से परीक्षा पूरी की थी। परीक्षा देने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों का पसंदीदा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, राजनीति शास्त्र और इंटरनेशनल स्टडीज है। अब इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों ने महिलाओं और पुरुषों का अनुपात देख लेते हैं। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सिविल सेवा की परीक्षा में महिलाओं ने समय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2022 में महिलाओं ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस फाइनल लिस्ट में 29% महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, जो सिविल सेवा के इतिहास में सबसे अधिक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।